को अपने पतिदेव को एक चिट्ठी लिखनी थी। चिट्ठी ये थी, मेरे परमेश्वर, मेरा प्रणाम आपके चरणों में, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय को बछड़ा हुआ है, दादाजी ने शराब की लत लगा ली है, मैंने तुम्हें बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे भेड़िया खा गया है, 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना, तुम्हारी औरत। और वो जानती नहीं थी कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगाना है, इसलिए जहाँ मर्जी हुआ वहीं फुल स्टॉप लगा दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया और वो चिट्ठी यूं हो गई, मेरे परमेश्वर, मेरा प्रणाम आपके चरणों में, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को, नौकरी मिल गई है हमारी गाय को, बछड़ा दिया है दादाजी ने, शराब की लत लगा ली है मैंने, तुम्हें बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे भेड़िया खा गया है, 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना, तुम्हारी औरत। एक औरत के पतिदेव की मृत्यु हो गई, वो उन्हें दफनाने कब्रिस्तान गई। दफनाने के बाद जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके मोबाइल पर एक SMS आया। अब ये SMS एक आदमी ने किया था जो एक गांव में नौकरी के लिए गया था। उसने ये SMS अपनी पत्नी को किया था, लेकिन गलती से इस औरत के पास आ गया जो अपने पति को दफना कर आई थी। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। SMS यूँ था, प्रिय, मैं यहाँ खैरियत से पहुँच गया हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है, जगह की भी कमी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तुमसे बात नहीं कर सकता लेकिन बीच बीच में SMS करता रहूँगा, तुम थोड़े दिन धीरज रखो, बहुत जल्द तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा, तुम्हारा पति।